हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टर्म्स। रिमूवल ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां पर किसी भी टर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करते हैं एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बाद में मैं फिर इसका रूल को बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है उसको डिमिनिश करना है बाय 3/2। मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन का जो रूट होता है उस रूट को डिमिनिश करके न्यू इक्वेशन अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं। मैं उसी से पहले इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उस रूल से, उसके बाद फिर मैं यहाँ रिमूवल ऑफ टर्म्स के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन इज 2x³ - 9x² + 13x - 6 = 0। इसको नंबर कर 1 कर दिए। अब इसका जो रूट होगा उसके रूट में से 3/2 डिमिनिश करना है, डिक्रीज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मान लेते हैं इसका क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होगा, अल्फा, बीटा, गामा। अब अगर यहाँ पर रूट को डिमिनिश कर दे 3/2 से, मतलब अल्फा -3/2, बीटा -3/2 और गामा -3/2, ये जिस इक्वेशन का रूट होगा वो इक्वेशन हम लोग पहले निकाल लेंगे। वो इक्वेशन निकालेंगे, एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। और जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे उसका रूट अब ये होगा, अल्फा -3/2, बीटा -3/2, गामा -3/2। मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से 3/2 कम होगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला वही काम करते हैं कि रूट को डिमिनिश करके एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगा, मान लेते हैं लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी, ये क्यूबिक है तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी क्यूबिक इक्वेशन ही होगा। ये मानते हैं a₀x³, यहाँ पर x में भी रख सकते हैं या y में भी रख सकते हैं, a₀x³ + a₁x² + a₂x + a₃ = 0। हम लोग सपोज कर लिए कि जब हम लोग रूट को 3/2 से डिमिनिश करेंगे तो न्यू इक्वेशन जो बनेगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये है जहाँ a₀, a₁, a₂, a₃ ये कोएफिशिएंट है, कोई एक नंबर होगा। अब ये नंबर निकालने का तरीका क्या है, जरा इसके बारे में समझिए। इसके निकालने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिविजन से इस पॉलीनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, x - 3/2 से। इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल में सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, x - 3/2 से। ये 3/2 कहाँ से आया, ये 3/2 रूट को डिमिनिश कर रहे हैं तो x - 3/2 से डिवाइड करेंगे और हम लोग ये सारा कोएफिशिएंट निकालेंगे। अब तरीका क्या होता है जरा इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउ अब हम लोग ये जो कोएफिशिएंट है ओरिजिनल इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, उस कोएफिशिएंट को लिखते हैं। अगर ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं तो सबसे पहले कंप्लीट बनाते हैं। ये ऑलरेडी कंप्लीट है, x³, x² और कांस्टेंट सारा टर्म है, तो उसका कोएफिशिएंट को लिख जाते हैं 2 - 9 - 13 और -6। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं, सिंथेटिक डिविजन से, x - 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2, इसको 0 पुट कर देते हैं, x का जो वैल्यू आता है वही यहाँ लिखना रहता है सिंथेटिक डिवीजन में। तो यहाँ पर हम लोग 3/2 लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला काम करना है यहाँ पर ये फर्स्ट कोएफिशिएंट को ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये दोनों को सम करके यहाँ लिखना है, -6 हो गया। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ रहा है -9, तो यहाँ पर -9 क्या कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, 3 × 2 = 6 आ रहा है। अब फिर ये दोनों ऐड करके लिखेंगे 0। ये जो रिमाइंडर आता है, इसको लास्ट टर्म जो आता है वो रिमाइंडर कहलाता है, तो ये रिमाइंडर ही a₃ होगा, लास्ट कोएफिशिएंट ही ये आता है, a₃ आता है। अब फिर जो कोसेंट आ रहा है उस कोसेंट में हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तो अब डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म जो है वही रखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर जो है वो बिल्कुल सेम। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करके -3, फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2 आएगा, तो
तो माइनस नाइन बाई टू यहाँ लिखेंगे और दोनों का सम करेंगे तो फोर और नाइन बाई टू का सम करेंगे तो एट माइनस नाइन मतलब माइनस वन बाई टू आएगा और ये जो रिमाइंडर होता है ये रिमाइंडर अब ए टू हो जाएगा, ये सेकेंड लास्ट कोएफिशिएंट ये आएगा ए टू आएगा। अब फिर हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से अगर हम लोग डिवाइड करें तो अब क्या होगा जरा इसके बारे में समझिए। इसके लिए फर्स्ट टर्म तो हम लोग वही रखेंगे, अब फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से ये कैंसिल हो जाएगा थ्री, अब ये दोनों का सम करेंगे जीरो, तो यहाँ पर आ गया ये हो जाएगा ए थ्री फिर ए टू और ये होगा ए वन। अब फिर हम लोग अब डिवाइड करेंगे तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म वही उतरेगा, अब आगे तो हम लोग को बढ़ना नहीं है तो ये हो जाएगा ए नॉट। तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हम लोग लिखे हैं इसको नंबर अगर हम लोग टू कर दें तो इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू बिकम्स क्या हो जाएगा इक्वेशन टू जरा समझिए, ए नॉट, ए नॉट का जो वैल्यू कितना आया है टू, टू एक्स क्यूब और फिर प्लस ए वन, ए वन का तो वैल्यू जीरो है ना, ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू, ए टू का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू एक्स और प्लस ए थ्री, ए थ्री का वैल्यू क्या है जीरो और इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या किए इस इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ से अब इक्वेशन क्या बन रहा है टू एक्स क्यूब और ये तो जीरो हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स और ये भी जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। अब जरा समझिए ये इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इक्वेशन दिया हुआ था और ये इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म होकर के ये आया टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई टू एक्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर के क्या आया टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई टू एक्स इक्वल टू जीरो आया, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आया। जरा समझिएगा जब हम लोग रूट को डिमिनिश किए हैं थ्री बाई टू डिमिनिश किए हैं तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड होकर के ये इक्वेशन में आ गया, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन गया। इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कुछ टर्म नहीं है, देखिए इस इक्वेशन में फोर टर्म्स था ना तो यहाँ पर तो टू टर्म्स है, कुछ टर्म रिमूव हो गया, कौन कौन सा टर्म रिमूव हो गया एक्स क्यू का तो है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है मतलब सेकेंड टर्म जो है वो रिमूव हो गया, फिर थर्ड टर्म है यहाँ पर और फोर्थ टर्म जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो रिमूव हो गया। क्यों रिमूव होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट जीरो हो गया, फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो टर्म गायब हो गया। तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन में कोई भी रूट को डिमिनिश करके या फिर इंक्रीज करके कुछ टर्म को रिमूव कर सकते हैं। अब ये सूटेबल मेथड ढूंढना पड़ेगा कि क्या नंबर को डिमिनिश करना है, जैसे यहाँ पर रूट को 3 बाई टू से डिमिनिश किए, अगर 3 डिमिनिश करेंगे तो शायद रिमूव नहीं हो, 4 डिमिनिश करेंगे तो नहीं रिमूव हो सकता है, तो यहाँ पर ये नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर हम लोग डिमिनिश करें, रूट में कौन से नंबर से डिमिनिश करें ताकि सेकेंड टर्म इसका रिमूव हो जाए, थर्ड टर्म रिमूव हो जाए। हो सकता है अभी मैं सेकेंड टर्म रिमूव किया हूँ, फोर्थ टर्म रिमूव किया हूँ, हो सकता है सेकेंड टर्म रिमूव नहीं थर्ड टर्म को रिमूव करना पड़े, तो आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है कि किस टर्म को रिमूव करना है उसके अनुसार ये ढूंढना पड़ेगा, ये नंबर हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पता करेंगे ये नंबर ताकि उसका सेकेंड टर्म रिमूव हो, कैसे नंबर पता करेंगे ये नंबर ताकि उसका थर्ड टर्म रिमूव हो जाए इक्वेशन का, तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं किसी भी टर्म को तो उससे क्या फ़ायदा होता है जरा इसके बारे में समझिए। मान लीजिए इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना अभी डिफिकल्ट है, अगर रूट को हम लोग 3 बाई टू से डिमिनिश कर दिए अब जो इक्वेशन बना इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, कैसे सॉल्व होगा जरा समझिए, यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स आप कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, अब या तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें फैक्टराइज करके तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो आएगा। इससे भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो कौन कौन सा रूट आ गया
एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, वन बाय टू आया, माइनस वन बाय टू आया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट आया है। ये जो आया है वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट आया, ओरिजिनल इक्वेशन का रूट नहीं है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन का रूट अब कैसे निकालेंगे, ये तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट है, तो इसका रूट जो है वो इसके रूट से 3/2 कम न है, डिमिनिश न किए हैं रूट को, यहाँ से इसका जो रूट होगा उससे 3/2 कम है इसका रूट। तो ओरिजिनल इक्वेशन का अगर रूट निकालना हो, ओरिजिनल इक्वेशन का, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 इसमें ऐड कर देंगे, तो 3/2 जीरो में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 3/2 यहाँ ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर अगर 3/2 ऐड कर दें, -1/2 में 3/2 ऐड करते हैं तो ये 1 आएगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन का ये रूट होगा। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हम लोग इसका रूट आसानी से निकाल लिए, हम लोग क्या कर दिए, 3/2 और 1 आया है, तो इसको निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले हम लोग डिमिनिश किए इसका 3/2 जो है वो रूट डिमिनिश किए, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एक न्यू इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन का सेकेंड टर्म रिमूव हो गया था और इसको हम लोग फोर्थ टर्म भी रिमूव हुआ था, उसके बाद इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो रूट आया उस रूट में फिर 3/2 ऐड करके ओरिजिनल इक्वेशन का रूट निकाल लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन था, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सारा ऐसा इक्वेशन होता है जिसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ टर्म को रिमूव किया जाए उसके बाद अगर सॉल्व करें तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन उसका आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पर मैं जो बताया हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताया हूँ कि अगर 3/2 से रूट को डिमिनिश किया जाए तो डिमिनिश करने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आएगा, और ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कुछ टर्म जो है वो रिमूव हो गया, सेकेंड टर्म रिमूव हो गया, फोर्थ टर्म रिमूव हो गया, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस नंबर से रूट को डिमिनिश करना है या इंक्रीज करना है ताकि सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म रिमूव हो जाए। तो देखिए, रिमूवल ऑफ टर्म्स बाय सुटेबली डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन, वन और मोर टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी रिमूव्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सुटेबली डिमिनिश करना है या इंक्रीज करना है रूट्स को, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके रूट को सूटेबली डिमिनिश या इंक्रीज करना है। अब ये सूटेबल नंबर क्या आएगा वही नंबर यहाँ पर हम लोग पता करेंगे, कैसे उस नंबर को निकालेंगे। तो डिमिनिश या इंक्रीज कर देते हैं रूट को, तो वहाँ पर वन और मोर टर्म्स ऑफ इक्वेशन कैन बी रिमूव्ड, एक या एक से अधिक टर्म को रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी जो एग्जाम्पल बताया वहाँ पर सेकेंड और फोर्थ टर्म रिमूव हो गया, मतलब दो टर्म रिमूव हो गया, तो एक टर्म भी रिमूव हो सकता है या एक से अधिक टर्म भी रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रूल निकालते हैं, सबसे पहले कंसिडर द इक्वेशन, हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं ये एक इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट, इस तरीके से लास्ट ए एन इक्वल टू जीरो, ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एन एट डिग्री का ये इक्वेशन हो गया, और इस पॉलीनोमियल को हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। लेट द रूट्स बी डिमिनिश्ड बाय एच, अब हम लोग एच से डिमिनिश कर रहे हैं, इसका जो रूट होगा उसको उस डिमिनिश कर रहे हैं एच से, सो दैट वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा, मान लेते हैं न्यू इक्वेशन वाई वेरिएबल में बनाते हैं, तो न्यू इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा, न्यू इक्वेशन का जो रूट आएगा और जो ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट है उसमें रिलेशन क्या होगा, न्यू इक्वेशन का रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से एच कम होगा। मान लेते हैं एक्स जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन का रूट है और वाई जो है वो न्यू इक्वेशन का रूट है, तो न्यू इक्वेशन का रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से एच कम होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस एच, तो अब हम लोग y प्लस एच यहाँ पर पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y प्लस एच पुट कर देते हैं, और ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन देखते हैं क्या आता है। तो देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज क्या होगा, जरा समझिए, a नॉट हम लोग रहने देते हैं और x के जगह क्या पुट करना है, y प्लस एच और इसका पावर n प्लस ए वन रहने देते हैं, x के जगह y प्लस एच इसका पावर n माइनस वन प्लस ए टू रहने देते हैं, x के जगह y प्लस एच इसका पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट लास्ट यहाँ जो भी हो ए एन है और इक्वल टू जीरो। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर देखिए ए नॉट रहने देते हैं और इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो सबसे पहले y टू द पावर n प्लस एन सी वन वाई का पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू वाई का पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर जो रूल होता है डॉट डॉट हम लोग आगे कर देते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेंड करेंगे a1 और
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको एक्सपेंड करके, तो सबसे पहले y का पावर n माइनस वन होगा, y का पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन c1, इसका पावर एक कम होगा। अब y का पावर n माइनस टू इन टू एच आ जाएगा और डॉट डॉट आगे, फिर प्लस ए टू, इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो y का पावर सबसे पहला n माइनस टू आएगा प्लस n माइनस टू सी वन, वाई का पावर डिक्रीज करेगा n माइनस थ्री इंटू एच प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है, लास्ट टर्म en इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y टू द पावर n का कोएफिशिएंट को मतलब y टू द पावर n के टर्म को लिखेंगे, फिर y टू द पावर n माइनस वन के टर्म को मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी सेम चीज़ को, ये जो इक्वेशन आया है इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इससे यहाँ पर समझाने में मुझे आसानी होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर दिया हूँ, सेम चीज़ को यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर y का पावर n सबसे पहले लिखना है, तो a नॉट y टू द पावर n मैं जो लाया था वहाँ से के बाद a नॉट y टू द पावर n आ रहा है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, दैट इज a नॉट y टू द पावर n, सबसे पहला टर्म ये लिखते हैं, और उसके बाद y टू द पावर n माइनस वन, मैक्सिमम पावर y का पावर n होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं y टू द पावर n माइनस वन का टर्म, तो यहाँ पर एक y टू द पावर n माइनस वन और एक y टू द पावर n माइनस वन यहाँ पर है, उसके बाद और कहीं नहीं है, देख रहे हैं इसमें इस ब्रैकेट में अगर देखें तो इधर पावर डिक्रीज कर रहा है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर y टू द पावर n माइनस वन है, इधर y टू द पावर n माइनस टू है, इस ब्रैकेट में स्टार्ट ही हो रहा है y टू द पावर n माइनस टू से, तो उधर डिक्रीज होगा, दो ही जगह y टू द पावर n माइनस वन है। अब उसका कोएफिशिएंट लिख जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे y टू द पावर n माइनस वन दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, और कोएफिशिएंट क्या होगा n c1, n c1 का कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, इसका वैल्यू होता है n, तो इसका कोएफिशिएंट n और ये a नॉट मल्टीप्लाई होगा n into a नॉट into h, यहां पर h भी है यहां पर, तो n a नॉट h, और यहां पर y टू द पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो उसका कोएफिशिएंट बचेगा a1 प्लस a1, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं y टू द पावर n माइनस टू का टर्म लिखते हैं, तो ये तीन जगह होगा, एक तो यहाँ पर y टू द पावर n माइनस टू है, एक यहाँ पर y टू द पावर n माइनस टू, एक यहाँ पर y टू द पावर n माइनस टू, अब कहीं नहीं आएगा, तो तीनों जगह से हम लोग क्या करते हैं y टू द पावर n माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बच रहा है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, तो एन सी टू बच रहा है यहाँ पर, एन सी टू का वैल्यू होता है कॉम्बिनेशन में जो पढ़े होंगे एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू का वैल्यू टू ही होता है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल टू की जगह आप टू भी लिख सकते हैं, तो एन सी टू बच रहा है, फिर ए नॉट मल्टीप्लाई होगा, ए नॉट भी यहाँ पर आएगा, और इंटू एच स्क्वायर भी है यहाँ पर, देख रहे हैं एच स्क्वायर है। अगर यहाँ से y टू द पावर n माइनस टू कॉमन ले ले तो n माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी वन का वैल्यू क्या आएगा, n माइनस वन आएगा, तो ये बच रहा है n माइनस वन इंटू ए वन इंटू एच, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं n माइनस वन, एन माइनस वन इंटू ए वन इंटू एच, और फिर यहाँ से देखिए y टू द पावर n माइनस टू अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर बच रहा है ए टू, इसके बाद इसी तरीके से y टू द पावर n माइनस थ्री वाला टर्म लिखेंगे, y टू द पावर n माइनस फोर वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्लस डॉट डॉट कर देते हैं जहाँ तक जाए और लास्ट में जीरो। अब देखिए ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया। हम लोग अभी तक क्या किए हैं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था उस इक्वेशन में से जो रूट है उसको डिमिनिश कर रहे हैं एच से, अगर रूट को एच से डिमिनिश कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब इसका जो एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा, तो न्यू इक्वेशन जो है वो अब इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, मान लेते हैं सेकेंड टर्म को रिमूव करना है, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आया उसका सेकेंड टर्म तो यही है ना, तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए इसका कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट में फोर रिमूविंग द सेकेंड टर्म, फोर रिमूविंग द सेकेंड टर्म, अगर सेकेंड टर्म को रिमूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, सेकेंड टर्म यही आएगा, फर्स्ट टर्म ये आएगा, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए इसके जो कोएफिशिएंट आएंगे उसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो n इंटू ए नॉट इंटू एच प्लस ए वन इक्वल टू जीरो। अब निकालना क्या है, यहाँ पर हम लोग को तो पता करना है कि रूट को कितना नंबर से डिमिनिश करें ताकि सेकेंड टर्म रिमूव हो जाए, तो रूट को कितने नंबर से डिमिनिश कर रहे थे, एच से डिमिनिश कर रहे थे, तो एच का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू आ जाएगा, देखिए एच इक्वल टू आएगा माइनस
ए वन डिवाइडेड बाय एन इंटू ए नॉट, ये उधर ले जाएंगे और ये इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस नंबर से अगर हम लोग रूट को डिमिनिश करें, एच हम लोग इससे निकाल लेते हैं और इस नंबर से अगर हम लोग डिमिनिश करते हैं तो उसका सेकेंड टर्म रिमूव हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एच इक्वल टू ये ए वन क्या था, ये था कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट था, ओरिजिनल इक्वेशन का सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट। एन क्या था, डिग्री था, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। और ए नॉट क्या था, ये था कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, जरा समझिएगा। ए नॉट क्या था, ए नॉट था फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ए वन क्या था सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, एन क्या था डिग्री था। तो यहाँ पर ए वन है, ए वन होता है सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, एन हो गया डिग्री ऑफ इक्वेशन और ए नॉट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर इस फॉर्मूला से एच को डिमिनिश कर दें तो वो सेकेंड टर्म रिमूव हो जाएगा। अभी मैं जो एक सवाल बताया था उस सवाल में हम लोग एन का वैल्यू सॉरी एच का वैल्यू 3/2 लाए थे, वो एच कैसे आया था, देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जो पहले अभी मैं एक क्वेश्चन बताया था उसमें एच का वैल्यू 3/2 था, तो देखिए इक्वेशन था 2x³ - 9x² +13x - 6=0। यहाँ अगर एच निकालना हो जिससे डिमिनिश करना है तो कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -9, डिवाइडेड बाय एन डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है 3/2। इसी से ना रूट को डिमिनिश किए थे, अगर इससे रूट को डिमिनिश कर देते हैं तो सेकेंड टर्म रिमूव हो जाएगा। अब अलग बात है कि इससे डिमिनिश किए तो फोर्थ टर्म भी रिमूव हो गया था, लेकिन ये बताता है कि सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जिस रूट को जिस नंबर से डिमिनिश करना है वो नंबर इसी से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद वो रूट को डिमिनिश कर देंगे तो सेकेंड टर्म जो है वो रिमूव हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में। अगर थर्ड टर्म को रिमूव करना है तब क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, फॉर रिमूविंग, यहां पर अगर रिमूव करना है आपको थर्ड टर्म, फॉर रिमूविंग थर्ड टर्म, तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म रिमूव करना है तो यही ना थर्ड टर्म है, इसके कोएफिशिएंट को y^n-2 के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट, हम लोग करेंगे पुट कोएफिशिएंट ऑफ y^n-2 = 0। और ये y^n-2 का कोएफिशिएंट है क्या, आप देख रहे हैं यहाँ n(n-1/2), ये है n(n-1/2) इंटू ए नॉट एच स्क्वायर, और फिर आगे क्या है n-1 into a1h, और फिर आगे क्या है a2 = 0। अब हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, अगर थर्ड टर्म को रिमूव करना हो तो इसी फॉर्मूला से h का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर n बता रहा है डिग्री ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, a नॉट फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, a1 सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, a2 थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो h का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, h का होल स्क्वायर है ना, h का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो h का वहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा, अब दोनों वैल्यू में से किसी भी वैल्यू से रूट को डिमिनिश करके हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। अब वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो निकलेगा उसमें थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगा। अगर मान लीजिए फोर्थ टर्म को रिमूव करना हो तब क्या करना पड़ेगा, तो फोर्थ टर्म के लिए इसके बाद वाला कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको दो चीज़ याद रखना है, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए कौन सा नंबर हम लोग पता करेंगे, यहाँ डिमिनिश किस रूट से करेंगे, और थर्ड टर्म को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए। लेकिन कभी कभी सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों को अगर रिमूव करना हो तो ये दोनों से एच का कॉमन वैल्यू देखेंगे, यहाँ से भी एच का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से एच का जो दो वैल्यू निकलेगा उसमें से कॉमन वैल्यू क्या है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म सभी क्वेश्चन में रिमूव हो ही जाए, दोनों टर्म जो है किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन को लेते हैं तो दोनों टर्म रिमूव हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉलीनोमियल इक्वेशन मिले जिसमें दोनों टर्म को रिमूव किया जा सकता है तो वहां से हम लोग पता करेंगे
इससे भी सेकेंड टर्म को रिमूव करके भी एच का वैल्यू निकालेंगे, थर्ड टर्म को भी रिमूव करने के लिए एच का वैल्यू निकालेंगे, और जो दोनों का कॉमन वैल्यू आएगा उसको हम लोग उससे रूट को डिमिनिस करेंगे, तो वो सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों रिमूव हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में या कोई भी थ्योरम में इसका यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे रूट को किसी भी टर्म को रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आगे। तो देखिए क्वेश्चन ये मैं ले रहा हूँ कि रिमूव द थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का थर्ड टर्म को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है वो लिख जाते हैं x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 18x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a नॉट क्या होगा, a नॉट मतलब x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है। a1 मतलब x क्यू का कोएफिशिएंट, ये होता है a नॉट, ये होता है a1, a1 का वैल्यू माइनस 4, ये होता है a2, a2 का वैल्यू माइनस 18, a3 का वैल्यू माइनस 3, और a4 जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, a4 का वैल्यू 2, और n क्या है डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है 4 है। तो हम लोग सबसे पहले a नॉट, a1, a2, a3 जो कोएफिशिएंट है और n लिख जाते हैं। अब थर्ड टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग रूट को डिमिनिस करेंगे, तो टू रिमूव द थर्ड टर्म वी डिमिनिस द रूट्स बाय एच, वेयर एच इज गिवन बाय, मैं अभी जस्ट प्रूफ करके बताया हूं कि अगर थर्ड टर्म को रिमूव करना है तो रूट को डिमिनिस करते हैं एच से, और एच कैसे निकालते हैं, एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैं बताया हूं, एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 ए नॉट एच स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू ए 1 इंटू एच प्लस ए 2 इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एन का वैल्यू यहां पर 4 है, तो 4 और 4 माइनस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, ए नॉट का वैल्यू 1 है यहाँ पर, इंटू 1 इंटू एच स्क्वायर, फिर n का वैल्यू 4 माइनस 1 3, ए 1 का वैल्यू माइनस 4 है और इंटू एच प्लस ए 2, ए 2 का वैल्यू माइनस 18 है और इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये क्या आता है, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 एच स्क्वायर माइनस 12 एच, यहाँ पर ये आ रहा है माइनस 12 एच और माइनस 18 इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड हो जाएगा प्रत्येक में, तो एच स्क्वायर माइनस 2 एच माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज एच स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ पर था एच स्क्वायर माइनस 2 एच माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2 एच को लिखते हैं माइनस 3 एच प्लस एच, और यहाँ पर है माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो h कॉमन ले लेते हैं h माइनस 3, और यहां से 1 को कॉमन ले लेते हैं तो h माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज यहां से h माइनस 3 अगर कॉमन ले ले तो h प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से h का वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक माइनस 1 आ रहा है। तो हम लोग एक बार 3 नंबर रूट h का वैल्यू 3 लेंगे और 3 से रूट को डिमिनिश करेंगे, वहां से भी एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगा, उससे थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, h इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 से भी रूट को डिमिनिश कर सकते हैं और उससे भी एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगा जिसमें थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 से को लेकर के चलते हैं और उसके बाद फिर मैं माइनस 1 वाला भी बताऊंगा, लेकिन मैं बीच में एक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन मेरा एक पेड कोर्स है और इस पेड कोर्स का कुछ वीडियो मैं YouTube पर फ्री अपलोड कर रहा हूँ। आप अगर पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, MA क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस ऐप्स में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को आप बाय करके पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ पर साथ में आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएगा इससे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं फर्स्टली वी टेक एच इक्वल टू 3, एच इक्वल टू 3 ले रहे हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या मैं तरीका बताया था, सबसे पहले
ये जो इक्वेशन दिया हुआ उसका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट बना करके, हालांकि ये कंप्लीट है इसलिए 1 माइनस 4 माइनस 18 माइनस 3 2, ये जो कोएफिशिएंट है 1 माइनस 4 माइनस 18, यहाँ पर माइनस 18 फिर माइनस 3 और 2, ये हम लोग लिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, एच का जो वैल्यू आया वो लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म तो ज्यों का त्यों उतारेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, दोनों को ऐड करने पर माइनस 1, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, ये दोनों को ऐड करने पर आ रहा है माइनस 21, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 63, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 66, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और फिर 18 और 1 19, माइनस 198 आ रहा है, दोनों को ऐड करने से माइनस 200 आएगा, सॉरी माइनस 200 नहीं 196 आएगा, माइनस 196, ये हो जाएगा A4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पर 1 ही उतारना है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 6, यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 15, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 75, और ये दोनों अगर ऐड किया जाए तो 6 प्लस 5 11 और 7 प्लस 7 14, ये माइनस 41 आएगा और ये आ जाएगा A3। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो ज्यों का त्यों ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3, और ये दोनों ऐड करते हैं तो 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 15, और यहाँ पर ऐड करते हैं तो 0, तो ये हो जाएगा आपका A2। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग ये फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों उतारते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर 8, ये आ जाएगा A1। और फिर हम लोग फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों उतारेंगे, यहाँ पर ये 1 आएगा, यही आएगा A0। तो देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगा, इज ए नॉट एक्स टू द पावर 4 प्लस ए वन एक्स टू द पावर 3 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए 4 इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो a0 का वैल्यू 1 निकला है तो यहाँ तो एक्स टू द पावर 4 होगा, प्लस a1 का वैल्यू 8 निकला है तो 8 एक्स क्यूब हो जाएगा, और a2 का वैल्यू 0 निकला है तो ये टर्म गायब हो गया, प्लस a3 का वैल्यू माइनस 141 निकला है, माइनस 141 एक्स, और a4 का वैल्यू माइनस 196 निकला है, तो ये हो गया एक आंसर तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका थर्ड टर्म जो है वो रिमूव हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर अब नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अभी एक और काम बचा हुआ है, कौन सा काम, h इक्वल टू माइनस 1, अगर h इक्वल टू माइनस 1 लिया जाए तो वहाँ से भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, सिंथेटिक डिविजन का यूज करके वहाँ से भी आपका थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगा, तो वो काम आपको खुद करना है और खुद करके आप देख लीजिएगा, मैं आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए 3 और यहाँ पर माइनस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 45 होगा, ये माइनस 45, अब आप ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11 और 6 प्लस 1 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो ये 111 आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए मैं इसको सुधार दिया हूँ। और इसका जो सेकेंड आंसर आएगा वो सेकेंड आंसर ये आएगा, आप लोग को खुद करना है, एच का वैल्यू अगर माइनस 1 लेते हैं तो आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको बनाने के बाद ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।